हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज के इस वीडियो में हम RPVT मतलब राजस्थान स्टेट वेटनरी एग्जाम से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स को डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले 3 सालों के अंदर कट ऑफ कितनी गई थी, वो भले बीकानेर कॉलेज हो, भले उदयपुर हो और भले जयपुर कॉलेज हो। उसके अलावा हम इस ईयर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जानी चाहिए उसके अनुमान को डिस्कस करेंगे। सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है तीनों कॉलेजेस में, कितनी फीस लगती है पेमेंट सीट पे और गवर्नमेंट सीट पे, क्या रूल्स है काउंसलिंग के, जो रूल्स अगर आपको ना पता हो तो हो सकता है कि आपके सिलेक्शन में भी कोई ना कोई बीच में कठिनाई आ जाए। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट जरूरी है जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त ले जानी जरूरी है। फिर एक बहुत बड़ा इश्यू है काउंसलिंग से रिलेटेड, उस इश्यू को भी हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कि हमारा नेक्स्ट वीडियो कौन होगा, हमारा नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, उसके अंदर कौन गेस्ट लेक्चर होंगे, उसके अंदर क्या आपकी डिमांड से टॉपिक इंक्लूड किए जाएंगे, ये सब हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। आइए पहला सेगमेंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पिछले 3 सालों की आपको कट ऑफ बताई जा रही है, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो 3 सालों की कट ऑफ आपको बताई जा रही है, आप मेरे ख्याल से, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, आप देख सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये राजूवास राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस की ऑफिशियल वेबसाइट से टाइम टू टाइम 2018, 2019 और ये देखिए 2017 में डाउनलोड किए गए थे। तो यहां पर जो आपको डेटा दिखाए जा रहे हैं, भले वो आपको सरप्राइजिंग लगे, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग लगे, पर वो रियलिस्टिक है, वो फैक्ट पर बेस्ड है। देखें, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ 2017 की, मतलब आज से 3 साल पहले की, कि सर इससे फर्क क्या पड़ता है, 3 साल पहले की क्यों बता रहे हो, लास्ट ईयर की बता दो। जब मैं तीनों ईयर की बता चुका होऊंगा तब आप समझ जाएंगे कि हमें 3 ईयर की कट ऑफ को वेटनरी की फील्ड में क्यों स्टडी करना पड़ रहा है। देखें, RPVT कट ऑफ की बात करें तो 3 कॉलेजेस बीकानेर, उदयपुर और जयपुर को डिस्कस करेंगे। उनमें रेगुलर सीट की कट ऑफ और पेमेंट सीट की कट ऑफ क्या रहेगी, ये हम डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन होगा हमारा जनरल, EWS, OBC, SC और ST सारी कैटेगरीज के लिए। इसके अलावा जो दूसरी सब कैटेगरीज है उनके बारे में मैं सबसे लास्ट में एक साथ बता दूंगा। देखो, 3 साल पहले जब पेपर का लेवल वैसा था कुछ जैसा इस ईयर आया है, ये वो ईयर था जब बच्चे जो पेपर का लेवल बता रहे थे, जो अपने मार्क्स बता रहे थे, बिल्कुल इसी ईयर हो रहा है। बच्चे इसी ईयर भी पेपर के लेवल के बारे में और अपने मार्क्स के बारे में मैं ऑलमोस्ट उतना ही सिमिलरिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखो, जनरल बॉयज की बात करें तो जनरल बॉयज की बीकानेर में कट ऑफ 580 अराउंड, मैं अराउंड बोलूंगा, मैं लगभग वाली डिजिट्स बोलूंगा, एक्यूरेसी यहां पर दिखाई गई है। ओबीसी की भी अराउंड 580, देख लो ऑलमोस्ट सिमिलर है। SC और ST की कंटिन्यूअसली 490 और 450 कंसीडर की जा सकती है। यही बीकानेर की पेमेंट सीट्स की बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की ही, तो यहां पर आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा अराउंड 30 मार्क्स का, यहां पर भी अराउंड 30 मार्क्स का डाउनफॉल है और इनके अंदर अराउंड 50-60 मार्क्स का और इसके अंदर अराउंड 30 मार्क्स का डाउनफॉल है। ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सीट ना मिले तो पेमेंट सीट के लिए ऑलमोस्ट और कितने कम मार्क्स हो कि अपना काम चल जाएगा, इनकी फीस कितनी है पेमेंट सीट्स की, क्या ये लेना बेटर है कि नहीं है, ये सब कुछ मैं आपको जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा वैसे वैसे समझाता जाऊंगा। उदयपुर कॉलेज की बात करें तो उदयपुर कॉलेज में 2017 में जनरल की रेगुलर एंड पेमेंट सीट की कट ऑफ 578, देखो सेम सी है, और 524 गई भी है, पेमेंट की कम गई थी। इन डेटा के अंदर, इन रियलिस्टिक डेटा में कुछ डाउट्स आएंगे, कुछ ऑब्जेक्शंस आएंगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर, मैं उसका रीजन भी आपको समझाऊंगा और वहां पर कुछ स्पेशल ग्रुप के लिए एक वार्निंग, रेड वार्निंग वाली बातें भी आएगी। देखो, EWS में सब में डैश है क्योंकि तब EWS कैटेगरी नहीं बनी थी, इकोनॉमिक वीकर सेगमेंट बना ही नहीं था। ओबीसी की बात करें तो 558 और पेमेंट सीट पे 499 ये कट ऑफ गई थी
कौन सी कॉलेज के लिए? उदयपुर कॉलेज के लिए। वही एससी एसटी में देखें तो 444, 419 और एसटी के अंदर 431 और 401। ये कट ऑफ गई हुई है। ये मार्क्स कितने में से है आपके? ये मार्क्स है 720 में से। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहे तो आप खुद अपने आप कर सकते हैं। जब जयपुर फर्स्ट टाइम कॉलेज ओपन हुई थी यूजी कोर्सेज के लिए, तो वहां पर कोई रेगुलर सीट थी ही नहीं, मतलब फ्री सीट नहीं थी, लेस फीस वाली कोई सीट नहीं थी, सारी की सारी पेमेंट सीट हुआ करती थी। तब जनरल की कट ऑफ गई हुई है 501, ओबीसी एससी एसटी की कंटिन्यूअसली कट ऑफ गई हुई है 491, 375 और 257। अगर आप बीकानेर की गवर्नमेंट सीट और जयपुर की पेमेंट सीट, जो एक हाईएस्ट और एक लोएस्ट कैटेगरी कंसीडर की गई थी 2017 में, उसको कंपेयर करें, तो देखें यहां ये डिफरेंस आ गया अराउंड 80 मार्क्स का। यहां पर ये डिफरेंस आ गया आपके 90 मार्क्स का अराउंड। यहां पर ये डिफरेंस है ऑलमोस्ट 115 मार्क्स का, और यहां पे ये डिफरेंस है अराउंड आपके लगभग 90 मार्क्स का, मतलब लगभग 80 से लेकर 110, 80 से लेकर 110 नंबर का डिफरेंस जयपुर की पेमेंट सीट में और बीकानेर की रेगुलर सीट में तब रहा था। कि सर ऐसे तब रहा था, क्यों बोल रहे हो? देखो नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में डिफरेंस मिलेगा। क्या कमाल करती है तेरे होंठों की सुर्ख लाली, क्या क्या कमाल करती है तेरे होंठों की सुर्ख लाली, छूती है जरा सा शर्ट को, घर पे पड़ती है गाली। जब 2018 का पेपर हुआ तो 2018 के पेपर में पेपर का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। पेपर का लेवल इंक्रीज होगा तो सीधी सी बात है कट ऑफ नीचे जाएगी। तो देखो जनरल की सारी एक साथ बता देता हूं। जनरल में सीक्वेंस वो का वो है, बीकानेर रेगुलर देन पेमेंट, उदयपुर रेगुलर पेमेंट, जयपुर रेगुलर पेमेंट। इस वक्त जयपुर में रेगुलर सीट्स भी आ गई थी। कट ऑफ रही थी तब 500, 720 में से 460, अराउंड 475, अराउंड 450, अराउंड 485, अराउंड 450। तो यहां आप डिफरेंस देखे तो 500 से 450, मतलब 50 मार्क्स का डिफरेंस रहा था, 50 मार्क्स का डिफरेंस रहा था बीकानेर की गवर्नमेंट सीट्स और जयपुर की पेमेंट सीट्स के बीच में। ये जनरल के लिए बात रही। ओबीसी में देखो अराउंड 485, देन पेमेंट की बात करें तो अराउंड 450, उदयपुर गवर्नमेंट 475 अराउंड, उदयपुर की ओबीसी पेमेंट अराउंड 440, तब भी ईडब्ल्यूएस नहीं थी। फिर उसके बाद जयपुर की रेगुलर सीट स्टार्ट हुई थी उसी ईयर, तो अराउंड 475 और अराउंड 440। यहां डिफरेंस देख लो ऑलमोस्ट कितना आ गया, 45 मार्क्स का आ गया, मतलब जो डिफरेंस की रेंज है वो कम हुई है। और जब भी पेपर का लेवल डिस्ट्रैक्ट होता है, अप डाउन होता है, तो ये वेरिएशन हमें देखने को मिलता ही है। अभी वो सरप्राइजिंग चीज नहीं आई है, वो सरप्राइजिंग चीज तो आएगी 2019 के कट ऑफ में, जो जबरदस्त डाउनफॉल भी दिखाएगी और कुछ सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन भी आपको बताएगी। एससी की बात करें अराउंड 420, देन पेमेंट अराउंड 350, उदयपुर के अंदर 410, 340 अराउंड, जयपुर के अंदर अराउंड 395 एंड 340। ये कट ऑफ रही हुई है। ये कौन से ईयर की आ गई आपके? 2018 की आ गई। वही एसटी कैटेगरी के अंदर आपके 430, 350 अराउंड, देन 420, 340, 375 एंड 340। ये अगर आप डिफरेंस नोटिस करें, इसको आप 30 कंसीडर कर ले 400 से अबो, और इसको 30 के अबो 40 कंसीडर कर ले, तो 60 एंड 30 लगभग 90 मार्क्स का डिफरेंस हो गया। मतलब अप एंड डाउन रेंज के बीच ये वाला सेगमेंट चल रहा है। अब हो सकता है कि इन मार्क्स की कैटेगरी को देखकर आप ये सोच रहे हो कि इस बार आपका भी सिलेक्शन हो सकता है इजी गोइंग वे में, तो ऐसा नहीं है। पेपर के लेवल में डिफरेंस आया है, काफी अच्छा आया है, वो मैं आपको अभी 19 के बाद 20 में समझाऊंगा। सॉरी ये तो 70 वाली टेबल रिपीट हो गई। अब आओ 2019 की टेबल के अंदर। देखो 2019 की कट ऑफ बहुत ही कम गई है, और अगर आप नोटिस करें तो मैंने बहुत सारी जगहों पर स्टार लगाए हैं। ये स्टार अगर मैं इन बातों को एक्सप्लेन ना करूं ना, तो आपको उलझा देंगे कि सर ऐसा हो थोड़ी सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इनिशियली एक चीज दिखाता हूं
यहां देखिए एसटी की उदयपुर के अंदर पेमेंट सीट की कट ऑफ रही है 324, जनरल की तो 313 ही रही है, ओबीसी की तो 302 ही रही है। अब आप सोचेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। तो मैं आपको इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। और अभी तो ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, सेकेंडरी सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन तो देनी अभी तक बाकी है। देखिए बीकानेर की अगर सीट्स को ऑब्जर्व करें, ये लास्ट ईयर की है, लेटेस्ट यही है 2020 की, इसके बाद डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। तो आइए देखें बीकानेर के अंदर रेगुलर और पेमेंट जनरल बॉयज की 440, 375, उदयपुर में ये 425 अराउंड और 315 अराउंड, और जयपुर के अंदर ये 510 और 380 अराउंड रही। देखो ऑब्जेक्शन नंबर वन तो वो था जो मैंने आपको यहां दिखाया। ऑब्जेक्शन नंबर सेकंड यहां आपको दिख रहा होगा कि सर जयपुर तो सबसे नई खुली हुई कॉलेज है, उसमें ये 510 चली गई कैसे गई, जबकि बीकानेर की कॉलेज बहुत पुरानी है, उदयपुर की कंपेरेटिवली जयपुर से तो पुरानी है, उनकी कट ऑफ कैसे कम चली गई। यहां पर मैं समझाऊंगा आपको रोस्टर रूल के बारे में। आई थिंक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो जो जनरल बॉयज की सीट्स होती है ना वो अनरिजर्व्ड होती है, उसपे किसी का भी हक नहीं होता। हक नहीं होता मतलब और अगर चलो छोड़ो छोड़ो, ये थोड़ा मैं कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज ले जा रहा हूं और सिंपल लैंग्वेज में लाता हूं। मान लो जनरल की कट ऑफ 500 मार्क्स है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस गर्ल्स कैटेगरी कोई भी अगर जनरल बॉयज की कट ऑफ 500 से अबोव मार्क्स लेकर आएगा तो वो अपनी कैटेगरी की सीट नहीं जनरल बॉयज की सीट उठाएगा। इसे कहते हैं रोस्टर रूल। ये रोस्टर रूल अशोक गहलोत की सरकार ने आज से 20-25 साल पहले अप्लाई किया था, मेरे ख्याल से राजस्थान उन स्टार्टिंग वाले स्टेट्स में से एक था जहां पर ये रूल लगा था। अब देखो इसका इफेक्ट यहां पर क्या खतरनाक लेवल का पड़ा है आपको देखने को मिलेगा। यहां अगर आप नोटिस करें तो मैंने स्टार लगाकर एफ लिखा है, इट डिनोट्स फीमेल। यहां मैंने उदयपुर की रेगुलर सीट में स्टार लगाकर वन लिखा है, मतलब यहां की सीट बीकानेर कॉलेज के जनरल बॉयज की सीट सारी फीमेल्स ने ओबीसी ने उठाई थी रोस्टर के द्वारा। कि सर सीधी भाषा में बोलो क्या कहना चाहते हो, सीधी भाषा में ये कहना चाहते हैं कि लास्ट ईयर बीकानेर वेटनरी गवर्नमेंट कॉलेज की एक भी गवर्नमेंट सीट जनरल बॉयज द्वारा नहीं उठाई गई, सारी रोस्टर द्वारा उठी। और इसके दो रीजन, पहला रीजन कि हो सकता है जिन जनरल बॉयज की रैंक अच्छी थी उनको कोई एमबीबीएस सीट मिल गई, ये तो तब जब हम अच्छा सोच रहे हो, और बुरा सोचे तो इसका मतलब जनरल बॉयज पढ़ना अब कम कर रहे हैं कंपेरेटिवली ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स, भले वो गर्ल्स हो भले बॉयज हो, और जनरल कैटेगरी की खुद गर्ल्स ये ज्यादा स्टडी कर रही है तभी वो जनरल बॉयज की सीट उठा रहे हैं। और एक भी सीट खुद जनरल बॉयज ने नहीं उठाई यहां पर, यहां उदयपुर में जनरल बॉयज ने खुद ने सिर्फ एक सीट उठाई, ओनली सिंगल वन, और जयपुर में भी ओनली सिंगल वन। कि सर आप ये कहना चाहते हो कि तीनों गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल गवर्नमेंट सीट जनरल बॉयज ने सिर्फ दो उठाई या सिर्फ दो जनों ने उठाई? ड्यू टू द रोस्टर सिस्टम, ड्यू टू द रिजर्वेशन, एंड ड्यू टू इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है कि मे बी जो बॉयज जनरल के ज्यादा अच्छे मार्क्स लाए उन्होंने एमबीबीएस सीट उठा ली होगी। ये तीनों के तीनों रीजन कंबाइन इफेक्ट डाले हैं, पर ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है, आपके लिए इंडिकेशन है जो जनरल बॉयज है कि पढ़ना शुरू कर दे, नहीं तो आप खुद ही रिजर्व्ड बन जाएंगे, आप खुद ही रिजर्व्ड बन जाएंगे। देखें इधर अब आगे काम की बात, नेक्स्ट देखें तो ईडब्ल्यूएस पहली बार अप्लाई हुआ था, इकोनॉमिक वीकर सेगमेंट पहली बार अप्लाई हुआ था, तो सबको इंफॉर्मेशन नहीं थी। इस ईयर इसकी कट ऑफ इतनी कम नहीं जाएगी जितना लास्ट ईयर गई थी, क्योंकि और भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता चल चुका है और उन्होंने भी सर्टिफिकेट बना लिया है। तो देखें इनकी कट ऑफ 463, देखो आप देख सकते हैं ना ये इसकी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि जनरल बॉयज ने खुद ने तो कोई सीट उठाई ही नहीं, उनकी तो सब रोस्टर में गई। तो आप यहां ये नहीं कह सकते कि जनरल बॉयज की जो सीट है उसकी कट ऑफ ओबीसी डब्ल्यूएस से कम है, कम नहीं थी, बॉयज को कोई सीट ही नहीं मिली बेचारों को। अब देखो ईडब्ल्यूएस की 463 अराउंड 460 मान लो,
बीकानेर पेमेंट 280, भाई सीधी सी बात है ईडब्ल्यूएस है तो वो इकोनॉमिकली वीक है ना, तो हर कोई सीट थोड़ी उठा पाएगा, तो इसलिए इसकी कट ऑफ कम चली गई। उदयपुर के अंदर 420 अराउंड और उदयपुर की पेमेंट 320 अराउंड। जयपुर की गवर्नमेंट एंड रेगुलर पेमेंट रही आपके अराउंड 425 और अराउंड 340। ये हमने बात कर ली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो फर्स्ट टाइम आई थी लास्ट ईयर। धीरे 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 मेरे अकॉर्डिंग वेटनरी में देखे तो ये कट ऑफ तो बढ़नी है ही। मेडिकल में क्या देखने को मिलता है ये हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ जनरल बॉयज की कट ऑफ से बस एक मार्क्स नीचे थी, एक नंबर ही कम थी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। अब आओ आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। ओबीसी की देखें तो अराउंड 465 बीकानेर रेगुलर, 325 बीकानेर की पेमेंट, उदयपुर की 410 अराउंड पेमेंट सीट वहां की अराउंड 300, जयपुर की रेगुलर एंड पेमेंट अराउंड 430 एंड 235। आप बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं पर मैं केवल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं सरफेस लेवल की, क्योंकि अभी डिटेल में इनका एनालिसिस करने से कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखो एससी और एसटी में देखें 360-390 अराउंड बीकानेर रेगुलर, बीकानेर की पेमेंट्स आ गई 270-310 अराउंड, उदयपुर के अंदर आपके 330-330 लगभग बराबर है। यहां पर भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा बताने वाला हूं जो यहां पर स्टार लगाए हैं, अभी दो तीन मिनट बाद समझाने वाला हूं वो चीज। फिर आप उदयपुर की पेमेंट्स देखें एससी एसटी में ये 270 और 325 अराउंड रही है। हाईएस्ट 325 एसटी की कैसे चली गई बाकी सब कैटेगरी से, उसका रीजन मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। जब तक जयपुर की देख लें एससी एसटी की रेगुलर एंड पेमेंट सीट 340-380 अराउंड गवर्नमेंट सीट और पेमेंट सीट 270 और 290 अराउंड। अभी हो सकता है इस ईयर एग्जाम देने वाला हर एक बच्चा सोच रहा हो कि सर इस अकॉर्डिंग तो हम सबका ही सिलेक्शन हो जाएगा, कहां से सबका सिलेक्शन होगा, नंबर ऑफ सीट ही 204 है टोटल गवर्नमेंट वाली, पेमेंट सीट को मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, प्राइवेट कॉलेजेस को मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है, सीट मैट्रिक्स आपको थोड़ी देर बाद समझाने वाला हूं। अब ये एक ऑब्जेक्शनल चीज समझ लो कि ये कट ऑफ ज्यादा क्यों गई है। इस ईयर 2019 वाली लास्ट ईयर की काउंसलिंग में एक्सेप्शनली पता है क्या हुआ कि एसटी कैटेगरी के अंदर फिजिकल हैंडीकैप्स कैटेगरी के 3 स्टूडेंट ने सीट उठा ली, तो वो सब कैटेगरी ही होती है, तो जब फिजिकल हैंडीकैप्स ने वो सीट उठा ली तो खुद नॉर्मल स्टूडेंट को वो सीट उतने कम मार्क्स में नहीं मिल पाई जितना कि नॉर्मली मिल सकती थी, इसलिए कट ऑफ ज्यादा है। और पता है ये जो 327 है ना, इस 327 पे भी ये जो मार्क्स कट ऑफ है आपके उदयपुर की गवर्नमेंट सीट का, वो भी फीमेल ने उठा रखी है, मेल ने नहीं उठा रखी। यहां पर हो सकता है कि जहां तक मैं गैस कर रहा हूं मे बी सर्कुलर रोस्टर, एक सर्कुलर रोस्टर नाम की एक चीज होती है जिसके अंदर रोस्टर को सिक्वेंस वाइज सिक्वेंस स्टेप वाइज स्टेप लगाया जाता है, मे बी वो अप्लाई किया गया हो, मैं एक्यूरेटली नहीं अनाउंस कर सकता क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का लिया जाने वाला डिसीजन है। एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या यहां पर भी रोटेशनल रोस्टर लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है, रोटेशनल रोस्टर बोलते हैं सिस्टम को। अब देखो मेन चीज की सर हमें तो चिंता इसकी है, आप इसका बताओ 2020 के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये आपने खाली छोड़ दिए क्या मतलब निकला, हमने तो वीडियो देखा ही केवल इसके लिए है। देखो लास्ट ईयर से आप इसकी कट ऑफ को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, लास्ट ईयर का पेपर टफ था, बायोलॉजी के अंदर ही अराउंड 20 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी के थे और जो कि नॉर्मली नीट के लिए फोकस तैयारी करने वाला बच्चा पढ़ता नहीं है, तो हम एग्जैक्टली इसको किससे कंपेयर कर पाएंगे पता है, एग्जैक्टली इसको हम कंपेयर कर पाएंगे 2017 के कट ऑफ के साथ में। पर यहां पर थोड़ा सा एक पेज और है जो मैं आगे आने वाली स्लाइड में आपको दिखाने वाला हूं। कल ही राजूवास वेबसाइट पे अपडेट्स आई है कि जब बच्चों ने ऑब्जेक्शन किए डाउटफुल क्वेश्चंस पे तो उन्होंने उनका आंसर बदलने की बजाय 10 क्वेश्चन डिलीट ही कर दिए हैं, तो टोटल मार्क्स अब 720 की बजाय 680 हो गए हैं। सर ये ऐसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमें कहां से ऑब्टेन करने को मिलेगी मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। तो आप यहां पर जो जो कट ऑफ है ना उन कट ऑफ में -20 का एक जनरल आइडिया लगा लें,
वो माइनस 20 मैं किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि टोटल नंबर कम हो रहे हैं, 720 से 680 हो रहे हैं 10 क्वेश्चन के डिलीट होने से। तो मेरी तरफ से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बच्चों के पेपर का डिस्कशन करने के बेसिस पर, वो ये है कि यहां पर ये जो भी आपको कट ऑफ दिख रही है ना, इन सब कट ऑफ में आप अपनी अपनी कैटेगरी के माइनस 20 अराउंड कर ले, माइनस 30 कर लो, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे, मैं बहुत सारे फैक्टर्स आगे भी डिस्कस करने वाला हूं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नीट की काउंसलिंग के थ्रू जाने वाली सीटों का नंबर राजस्थान के अंदर बढ़ गया है, जयपुर को VCI वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से वेरिफिकेशन मिलने के बाद में ऐसे छोटे मोटे पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे। तो आप देख लो, मैं बीकानेर की रेगुलर सीटों की बताऊं तो आप ये देख लें अराउंड 560, ये भी अराउंड 560, SC ST की देखो तो ये अराउंड 470 से थोड़ा कम और वो 430 से थोड़ा कम। पेमेंट सीट का सोचना चाहते हैं तो खुद ही माइनस कर ले। उदयपुर के अंदर बात करें तो ये भी सेम वही हो गया, आपके 560 अराउंड, ये आपके हो जाएगा 540 या 530 अराउंड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके अराउंड 410 और 415 और वो भी हो जाएगा अराउंड 400। यहां सबसे लास्ट जयपुर की रेगुलर सीटें तब थी नहीं, तो वहां से आप कंपेयर कर नहीं सकते हो, वहां से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, तो आप इसको 18 से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप 18 और 17 को आपस में कंपेयर करें तो ये प्लस 80 आ रही है लगभग, मतलब कि 2018 में 17 के कंपैरिजन में कट ऑफ लगभग 60 से 80 मार्क्स कम हुई थी। तो अगर आपको इस बार से कंपेयर करना है, इस बार से कंपेयर करना है जयपुर से, तो आप इससे अराउंड 20-20, 30-30 मार्क्स तो पक्का बढ़ा ले। 30 मार्क्स बढ़ाते हैं तो ये पहुंच जाएगा 510, 520, ये पहुंच जाएगा आपके अराउंड 500 और 510 के बीच में, ये 30 और बढ़ा दे तो ये पहुंच जाएगा आपके 420 अराउंड और वो पहुंच जाएगा आपके अराउंड 400। मतलब उदयपुर और जयपुर की कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। EWS को डिस्कस करना चाहे तो, EWS को डिस्कस करना अगर हम चाहते हैं तो हमारे पास कंपैरिजन के लिए केवल और केवल कौन है, 2019 की कट ऑफ है। अब 2019 की कट ऑफ में अगर आप जनरल और EWS में डिफरेंस देखें तो आप यहां तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि जनरल बॉयज ने तो सीट ही नहीं उठाई थी। हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, उदयपुर और जयपुर के अंदर। देखो उदयपुर के अंदर लगभग 10 मार्क्स का डिफरेंस है और जयपुर के अंदर आपके अराउंड 80 से 90 मार्क्स का डिफरेंस है। तो मैं 80 और 10 के बीच की एवरेज ले लेता हूं तो ये आ जाएगी कितनी, देखो 45, मतलब हम अराउंड 45 मार्क्स का डिफरेंस देख रहे हैं एवरेज करने पर EWS और नॉर्मल जनरल बॉयज के बीच में। पर रियलिटी में जैसा मैंने आपको पहले बोला कि अब तक बहुत सारे बच्चों को यह पता चल चुका है कि EWS सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, तो हमें इतना डाउनफॉल कंपैरेटिवली देखने को नहीं मिलेगा कि सर तो फिर हम क्या करें, हम तो EWS में, आप तो हमें सॉल्यूशन बता दो। आप जनरल की जो भी कट ऑफ जाएगी ना उससे लगभग 15 से 20 मार्क्स कम कर ले हर कॉलेज के अंदर, रेगुलर सीट पे भी और पेमेंट सीट पे भी। तो जो मैंने पीछे कंपैरिजन करवाया था, EWS वाले 15 से 20 मार्क्स नॉर्मल से कम करके ऐड कर ले, आपके लिए एक ऑलमोस्ट आइडिया प्रिपेयर हो जाएगा। अब आते हैं अपन आगे के डिस्कशन देखते हैं जो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो सबसे पहला मैंने जैसा कहा था कि आगे सब कैटेगरीज और आएगी, तो मैं सब कैटेगरीज को पीछे दिए गए मार्क्स से कंपेयर करवा देता हूं। देखो एक आती है गर्ल्स की कैटेगरी, जो आपके जनरल में भी होगा, EWS में भी होगा, OBC SC ST में भी होगा। तो इसका आइडिया सुने, जनरल और OBC के अंदर तो बॉयज और गर्ल्स में 1 से 5 मार्क्स का ही डिफरेंस है, ये मैं रेगुलर सीट में बता रहा हूं, और कभी कभी तो सेम मार्क्स में गर्ल्स और बॉयज ने सीटें उठा रखी है। SC ST में देखें तो ये डिफरेंस 20 से 50 मार्क्स का हो जाता है,
कि सर कहना क्या चाहते हो? ये कहना चाहते हैं कि अगर एसटी बॉयज ने 400 पे सीट उठा रखी है तो एसटी गर्ल्स ने अराउंड 350 पे उठाई है और कभी 380 पे उठाई है, तो डिफरेंस 20 से 50 मार्क्स का हो सकता है एससी एसटी के गर्ल्स के केस को स्टडी करने पर। ऐसा मैं डिटेल्ड वाली टेबल्स इसमें हर एक कॉलेज के 3322 पेजेस में स्पेक्ट्रम दिखा रखे थे, उसको देख के बता रहा हूं। ये गर्ल्स के बारे में हो गया। फिर एमबीसी जिसके अंदर गाड़िया, लोहार, गुर्जर और राय का रेवाड़ी जातियां आती है, इनका ओबीसी से 2 to 3 मार्क्स कम कंसीडर कर ले रेगुलर सीट पे और पेमेंट सीट पे लगभग 15 से लेकर 20 मार्क्स कम कर ले। और उधर मैंने आपको जनरल के अंदर और ओबीसी के अंदर रेगुलर सीट पे कंपैरिजन करवाया 2 से 5 मार्क्स का। अगर आप पेमेंट सीट पे कंपैरिजन करेंगे तो उधर भी 15 to 20 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा। फिर आती है फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी। फिजिकल हैंडीकैप्ड के साथ एक एसटीए कैटेगरी आती है, जो एसटी में एक सब कैटेगरी और है, वो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा साइड के जो ज्यादा पिछड़े इलाके हैं, इनकी कट ऑफ तो सबसे कम रहती है। पिछले साल तो अराउंड 120 मार्क्स पे भी एडमिशन मिला हुआ है। तो जितनी भी एससी एसटी की कट ऑफ जाती है उसका भी हाफ कर लो। हाफ का मतलब उसकी अगर 400 जा रही है तो इसकी 200 ही जाएगी लगभग। फिजिकल हैंडीकैप्ड में भी आप यही कंसिडर करें, फिजिकल हैंडीकैप्ड जिस भी कैटेगरी का है, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, वो अपनी कैटेगरी के मार्क्स का हाफ कर ले, वो अपनी कैटेगरी के मार्क्स का हाफ कर ले, इतनी कट ऑफ जाती है। अब आप कहोगे सर ये कट ऑफ का तो बता दिया, अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या लोचा है वेटनरी के अंदर, आरपीवीटी के अंदर? आओ देखें, अगर सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये देखो रिजर्वेशन का स्पेक्ट्रम है। ओबीसी, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, गुर्जर, रेवाड़ी जातियां और ये हो गया आपके फिजिकल हैंडीकैप्ट। तो टोटल रिजर्वेशन हो गया 69%। 69% के बाद देखे तो 31% है वो अनरिजर्व्ड है, और अनरिजर्व्ड की सीटें ये सब उठा सकते हैं कैटेगरी के लोग रोस्टर की हेल्प से। और ऊपर से इन सब रिजर्वेशन और इस अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भी 25% सीट्स मिनिमम है गर्ल्स के लिए, मतलब गर्ल्स का रिजर्वेशन इनके अलावा और हो गया हर कैटेगरी के अंदर और अनरिजर्व्ड के अंदर भी 25% ईच। मैंने आपको बता ही दिया है कि वो गर्ल्स के लिए है। एक सोशल इश्यू है जो मैं चाहता हूं कि मैं आपसे उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लूं। देखो ये जो 10% लास्ट ईयर डेवलप किया गया है इकोनॉमिक वीकर सेगमेंट जनरल कैटेगरी के अंदर, वो पुअर कैंडिडेट्स के लिए, जो जरूरतमंद साथी है हमारे, वो भले लड़के हो लड़की हो, उनके लिए क्रिएट किया गया है। तो मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि बताओ क्या पुअर केवल जनरल में है क्या? ये हर कैटेगरी में, ओबीसी, एससी एसटी, इन सब कैटेगरी में भी क्या बिलो द पुअर्टी लाइन कैंडिडेट्स नहीं है? क्या उनको भी ऐसे ही किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है क्या? ले देके मैं इनडायरेक्टली इंडिकेट क्या करना चाहता हूं कि हर कैटेगरी में गरीब और जरूरतमंद लोग हैं, रिजर्वेशन का ज्यादा से ज्यादा फायदा उन्हें ही मिलना चाहिए, ना कि इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रेंथ रखने वाले परिवार को मिलना चाहिए। आइए देखें आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। आओ देखो, फिर उसके बाद जयपुर हो, भले ही उदयपुर हो और भले ही बीकानेर हो, तीनों कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ सीट 80 है। इस 80 में से 12 सीट घटा दो, क्योंकि नीट के थ्रू 15% सीटें फिल होगी तीनों की तीनों कॉलेज में, क्योंकि जयपुर को भी लास्ट ईयर वीसीआई ने रिकॉग्नाइज कर दिया है एज अ गवर्नमेंट कॉलेज, ऑल इंडिया लेवल पर उसे ऑथेंटिफाई कर दिया गया है। तो तब बचती है आपके 68 सीट एक कॉलेज में, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल 204 सीट्स हो जाती है। ये 204 सीट्स में अभी तक पेमेंट सीट्स बाकी है, हर कॉलेज के अंदर 40 सीट पेमेंट सीट्स है, तो 40 × 3 करो तो 120 हुई। तो आप 204 में से 120 घटाओ और समझ जाओ कि कितनी कम गवर्नमेंट सीट्स है राजस्थान के अंदर वेटनरी फील्ड के अंदर। अब देखो सीट डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेगमेंट में आपको समझा रहा था, देखो ये दिया हुआ टोटल 80 सीट्स, टोटल 80 सीट्स में से 40 सीट्स पेमेंट सीट होगी,
80 सीट में से 15% नीट के थ्रू अलॉट होगी, जो 12 आती है, जो मैंने पीछे ही आपको बता दिया था, ये स्लाइड में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। फिर देखो, तीन तो गवर्नमेंट कॉलेज है, ऐसे ही तीन प्राइवेट कॉलेज भी है राजस्थान में, जिनकी फीस इतनी ज्यादा है कि मैं नॉर्मली वो बच्चों को अलॉटमेंट में, चॉइस में भरने के लिए सजेस्ट ही नहीं करता हूं। वहां पर भी अकॉर्डिंग टू VCI टोटल 80 सीट्स है, 80 सीट में से 40 सीट, 80 में से 40 सीट तो वो RPVT के मार्क्स के थ्रू भरेंगे, और बची हुई 40 सीट्स वो अपने मैनेजमेंट कोटा से फिल कर सकते हैं, जिसमें वो मैनेजमेंट के नाम पर बड़ी बड़ी अमाउंट एक्स्ट्रा रुपीज हाक लेते हैं अच्छी अच्छी फैमिलीज से, जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी होती है। इसके बारे में एक वीडियो अपन अलग बनाएंगे, जिसमें केवल और केवल क्या मैनेजमेंट सीट है, मैनेजमेंट सीट के लिए कितना एक्स्ट्रा रुपया लगता है, कहां कंपटीशन ज्यादा है, कहां कम है, ये सब कुछ डिस्कस किया जाएगा फॉर द नीट, नॉट फॉर द वेटनरी। आइए देखें, अब जो जो वेटनरी कॉलेज VCI से प्राइवेट वाली भी रिकॉग्नाइज हो गई है, उसमें भी अब पहली बार इंफॉर्मेशन बुकलेट में ये लिख दिया गया है कि उनकी भी 15% सीट, 15% सीट नीट के थ्रू भरी जाएगी। आपको मैं मेरे टाइम का बता, देखो अब तो धीरे धीरे इन प्राइवेट कॉलेजेस को VCI ने रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो एक अलग बात है। जब मैंने वेटनरी में एडमिशन लिया था, तब इतनी खतरनाक बुरी हालत थी प्राइवेट वेटनरी कॉलेज की कि न्यूज़पेपर में फर्स्ट पेज पर यह न्यूज छपी थी कि काउंसलिंग में एक बच्चा जिसके केवल 4 मार्क्स थे पेपर में, और तब पेपर भी 800 का था, 720 का नहीं था, उसको भी काउंसलिंग के अंदर प्राइवेट कॉलेज मिल गई। इतने बुरे हाल थे, रिक्वेस्ट करते थे प्राइवेट कॉलेज वाले, प्लीज हमारी सीट ले लो, प्लीज हमारी सीट ले लो। अब देखो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो अपडेट होती रहती है, जैसे लेटेस्ट वेबसाइट लिंक क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, सीट में क्या कोई चेंज वगैरह हुआ है क्या, तो मैं इस वीडियो में तो बाद में अपडेट नहीं कर पाऊंगा, इस आने वाले 2020 की कट ऑफ को तो इस वीडियो में एडिट नहीं कर पाऊंगा। तो वो अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर ईगल्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पे जाए और डॉक्टर ईगल्स बायोलॉजी सर्च करें, आपको चैनल मिल जाएगा, उसमें सारी लिंक्स, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, न्यू कट ऑफ सब अपलोड कर दी जाएगी। जैसे कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन का एक एग्जांपल दिखाऊं आपको, तो राजूवास वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो एक दो दिन पहले ही ये आपकी OMR को डिस्प्ले करने का ऑप्शन ऑन कर दिया गया है, रिवाइज आंसर की भी आ चुकी है, और पोस्ट एग्जामिनेशन शेड्यूल, मतलब एग्जामिनेशन के बाद के जो शेड्यूल है कि कब रिजल्ट आएगा, कब काउंसलिंग होगी, ये इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है, जैसे 3 दिन बाद ही रिजल्ट आने वाला है। ऐसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पर दे दूंगा। आइए आगे देखते हैं, फिर कौन सी इंफॉर्मेशन है जो और जानना जरूरी है कि काउंसलिंग के रूल क्या है और फीस कितनी कितनी है, काउंसलिंग के रूल्स क्या है और फीस कितनी कितनी है। कुछ रूल्स काउंसलिंग के इसके नीट की काउंसलिंग से थोड़ा अलग है, इसलिए जान लेना बहुत जरूरी है। देखो, ये इंफॉर्मेशन बुकलेट में ही दिए गए हैं, मैं आपको समझा देता हूं, मैं कॉमन नॉर्मल रूल्स नहीं समझा रहा, जो अलग रूल है जिनका ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसके बिना हो सकता है कि आप सीट से ही चूक जाएं, वो समझा देता हूं। देखो, एसेंशियलिटी होती है यहां पर चॉइस फिलिंग वाली कॉलेज में एडमिशन लेने की, कि सर क्या कहना चाहते हो, मान लो मेरे को वेटनरी की काउंसलिंग की पहले राउंड के अंदर कोई प्राइवेट कॉलेज मिलती है क्योंकि मैंने उनको चॉइस में भरा है, और या फिर कोई मेरे प्राइम चॉइस वाली कॉलेज नहीं मिलती है, तो आप नीट की तरह ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पहले या दूसरे राउंड में उनको ज्वाइन नहीं किया, फिर अगले राउंड में आपको कोई और सीट मिल गई और आप ज्वाइन करने चले गए, ऐसा अलाउड नहीं है। अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, वेटनरी में पहले दूसरे राउंड में ही, मतलब सबसे पहले ही जो भी कॉलेज आपको मिल जाती है, आपको जाकर फीस सबमिट कराकर वो कॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर वो आप नहीं लेंगे एडमिशन, तो आपको नेक्स्ट काउंसलिंग राउंड में शामिल किया ही नहीं जाएगा। कि सर तो क्या करे, कोई प्राइवेट कॉलेज ऐसे ली थोड़ी जाती है, अगले राउंड में क्या पता मुझे गवर्नमेंट मिल जाए, तो
तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेनी नहीं है ना, अगर आपको गवर्नमेंट की पेमेंट सीट लेनी नहीं है ना, तो आप उसको चॉइस में ही ना भरे, चॉइस में ही ना भरे, चॉइस में सिर्फ वो कॉलेज और वो सीट भरे जो आप लेने के काबिल है। आई थिंक आपको बड़ा सिंपल लैंग्वेज में ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर देखो आगे समझाता हूं मैं आपको काउंसलिंग के राउंड्स के बारे में। यहां पर काउंसलिंग टोटल 4 होती है। पहली काउंसलिंग में केवल फिजिकल हैंडीकैप्स को इनवाइट किया जाता है। सेकेंड एंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग मेन काउंसलिंग होती है, जिसके अंदर जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यू एस सारी कैटेगरी के बच्चों को सीटें अलॉट होती है। आपको जो कॉलेज मिल जाए लेना जरूरी है। सेकेंड एंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग के ऑनलाइन रिजल्ट आने के सिर्फ 3-4 दिन बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे, तब आपको इमीडिएटली सीट मिल जाएगी और आपको फीस भी ऑन द स्पॉट सबमिट करानी पड़ेगी। ये इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचो कि आपको फीस सबमिट कराने का एक दिन मिल जाएगा, तो वो भी नहीं मिलेगा। आपको ऑन द स्पॉट फीस साथ ले जानी है। सर मान लो सर मेरी तो वो पेमेंट सीट है, रेगुलर सीट नहीं है, तो आपको उतनी बड़ी फीस के अमाउंट का डीडी ले जाना पड़ेगा, जो आपको ले जाना है डीन सीवीएस बीकानेर के नाम पे। आप जिस भी बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाए हुए हैं उसके पास जाएंगे, फीस का उस पेमेंट फीस का अमाउंट बताएंगे। ये प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज की पेमेंट सीट के लिए बता रहा हूं मैं, और उतने अमाउंट की फीस का डीडी बनाएंगे डीन सीवीएस बीकानेर के नाम पे। ये कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज है। और फीस कितनी है ये समझा देता हूं कहां कहां पर। देखो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर सीट मिलती है तो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 5,000 है सालाना, और रेगुलर जनरल बॉयज के लिए 15,000 है लगभग। ये लगभग है, एक्यूरेसी आपको वहां पर बता दी जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पेमेंट सीट लेते हैं तो एनुअल 2,00,000 फीस है, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो फीस 5,00,000 है, जो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता। इस 5 में आप जैसे ही 2 जोड़ते हैं तो 7,00,000 तो आपको एमबीबीएस की पेमेंट सीट या प्राइवेट कॉलेज ही मिल जाएगी। और ऊपर से बड़ी बात कि इतने ही रुपए अगर आप आउट ऑफ इंडिया अबॉर्ड कॉलेजेस में एमबीबीएस करने जाते हैं तो इतने में आप एमबीबीएस भी करके आ सकते हैं, जो सीधी सी बात है वेटनरी से तो काफी सुपीरियर है। बाकी कोर्सेज से तो वेटनरी सुपीरियर है, पर वेटनरी से ज्यादा सुपीरियर तो एमबीबीएस होगा ही होगा ना। अब देखो फिर डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर मैं 2-3 डॉक्यूमेंट बोलता हूं, टोटल 16 डॉक्यूमेंट है, तो मैं सबके नाम नहीं बोलूंगा। मैं स्क्रीन से बाहर निकल जाऊंगा, आप स्क्रीन शॉट ले लेना और फिर अपने आप पढ़ लेना कि डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में वेरिफिकेशन के वक्त कौन से ले जाने हैं। जैसे कि आपको ओरिजिनल फोटो आईडी ले जानी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है, एडमिट कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ मार्कशीट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म काउंसलिंग का, सीट अलॉटमेंट लेटर, मार्कशीट और सर्टिफिकेट 12th के 10th के मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले लो, पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पढ़ लेना आप आराम से समझ जाएंगे, और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो टोटल 18 चेकलिस्ट है, इसमें से 16 तो डॉक्यूमेंट ही है। अब हर कैटेगरी के 16 नहीं होंगे, जैसे मान लो कोई ओबीसी है नहीं तो उसको ओबीसी का क्यों ले जाना है, एससीएसटी का नहीं तो एससीएसटी का कास्ट सर्टिफिकेट क्यों ले जाना है, ये आप अपने आप देख लेना स्क्रीनशॉट लेके। मैं इतना डिटेल में बोलूंगा फालतू वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आइए देखते हैं द लास्ट बिग इश्यू जो हर साल बहुत सारे बच्चों को आता है। ये बिग इश्यू क्या है समझे, मान लो किसी ने नीट की पहले राउंड की काउंसलिंग में चॉइसेस में कोई प्राइवेट कॉलेज एमबीबीएस की भर दी थी, उसको वो अलॉट हो गई और उसने जाकर एडमिशन ले लिया। फिर उस बच्चे के दिमाग में आया कि अगर मेरे को वेटनरी की गवर्नमेंट सीट मिलती है तो क्यों मैं 35-40,00,000 का खर्चा कराऊं घर वालों के, वेटनरी की गवर्नमेंट सीट ही ले लेता हूं, डॉक्टर ही तो बनना है। तो आपको वहां से क्या क्या चीज लेकर आनी है, क्योंकि सारी के सारे डॉक्यूमेंट तो मिलेंगे नहीं बिना एडमिशन कैंसिल करने के। तो आपको वहां से एडमिशन कैंसिल करवा के नहीं आना, आपको वहां की सीट रखनी है, क्योंकि जब यहां सीट इंश्योर हो जाए तब तो वहां से एडमिशन कैंसिल कराना। तो आपको ये 3 चीजें लेकर आनी है।
देखो एक तो लेटर लेके आना है उस कॉलेज के प्रिंसिपल का, क्या कि आपके सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट उनके पास जमा है। दूसरा आपको उस कॉलेज की ओरिजिनल फीस रिसिप्ट लेकर आनी है, और तीसरा वो जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना उनकी फोटोकॉपी लेकर आएंगे और उस पर आप खुद सेल्फ अटेस्ट करेंगे। तो आपको उन सब डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी पहले से ही करके रख लेनी है। ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी काउंसलिंग में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं तो कम से कम उसकी दो दो फोटोकॉपी खुद के पास रखें, ताकि फर्दर दूसरे वर्क में आप उनको यूज ले सके। तो ये द बिग इश्यू के बाद देखें आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल डॉक्टर ईगल्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वेटनरी की काउंसलिंग को डिस्कस करना तो एक छोटी बात थी, मेन हमें बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड। उसमें भी बहुत सारे सरप्राइजिंग डेटा आएंगे। जैसे मैंने आपको यूं बताया ना कि यहां पर कई सारी सब कैटेगरीज ऐसी है जो नॉर्मल कट ऑफ से आधे मार्क्स में भी सीट उठा लेते हैं, वैसे ही नीट में कई सारे सरप्राइजिंग डेटा है जो हम आने वाले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। उस नेक्स्ट वीडियो में आप कौन से बेसिक टॉपिक्स के बारे में जो नीट काउंसलिंग से रिलेटेड है जानकारी जानना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हमें नीट के काउंसलिंग एक्सपर्ट अली सर भी ज्वाइन करें, जो हमारे गेस्ट फैकल्टी होंगे काउंसलिंग के बारे में बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा, क्या इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीटली मिल पाई, समझ में आ पाई? अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूले। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।